माननीय सांसद पलामू श्री विष्णु दयाल राम ने नई दिल्ली में श्री अश्विनी वैष्णव माननीय रेल मंत्री भारत सरकार से मुलाकात कर पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं एवं बंद पड़ी ट्रेनों का पुनः परिचालन करने का अनुरोध किया। श्री राम ने कहा कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के लंबित रहने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक परियोजना गया सेरघाटी इमामगंज डाल्टनगंज रेलवे लाइन के निर्माण और दूसरी परियोजना बरवाडीह चिरिमिरी अंबिकापुर तक रेल लाइन निर्माण से संबंधित है। दोनों रेल परियोजनाओं में एक समानता है और वह है कई किलोमीटर तक दोनों परियोजनाओं में रेलवे लाइन का निर्माण हो चुका है। इन दोनों रेल परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो चुके हैं, परंतु वर्षों से उस पर कार्य होना बंद हो गया है। इन दोनों रेल परियोजनाओं का पूर्ण कार्य कराने के कार्य, जिससे न केवल मेरे क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी बल्कि बिहार एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के संबंधित जिलों के निवासियों को भी सुविधा होगी। साथ ही साथ नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का नगर उटारी स्टेशन पर स्टॉपेज, सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का मोहम्मदगंज स्टेशन पर स्टॉपेज, रांची वाराणसी इंटरसिटी का बरेली लखनऊ तक विस्तार, शक्तिपुंज एक्सप्रेस का जबलपुर होते हुए मुंबई तक के विस्तार करने एवं बरकाना वाराणसी पैसेंजर ट्रेन संख्या 635/7/635/8 का पुनः परिचालन प्रारंभ करने की मांग किया। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण बंद पड़ी कतिपय ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो गई है, परंतु लाइफलाइन कहीं जाने वाली बरकाना वाराणसी पैसेंजर ट्रेन संख्या 635/7/635/8 का परिचालन प्रारंभ नहीं हो सकी है। विदित है कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चियांकी स्टेशन लेकर के कजरात नावाडीह स्टेशन तक लगभग 16 स्टेशनों को होकर चलने वाली उप ट्रेनों का परिचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सांसद ने बताया कि उपरोक्त मांगों पर माननीय रेल मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए रेलवे परियोजनाओं का निर्माण यात्रियों के आवागमन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए ट्रेनों का स्टॉपेज विस्तार एवं बंद पड़ी ट्रेनों का पुनः परिचालन से संबंधित अविलंब निर्णय करने की बात कही है।